आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, मतलब उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीख कर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि टिपरा मोथा ने, सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, माणिक शाह जी यहां उपस्थित है। माणिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए, करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है। 2019 में एनएलएफटी एसडी के साथ समझौता हुआ था, 20 में ब्रू समझौता हुआ, 20 में बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समझौता हुआ, 22 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ, 2023 में यूएनएलएफ का समझौता हुआ और 2023 में ही उल्फा का समझौता हुआ और अब ये समझौता हो रहा है। तो कुल मिलाकर 11 अलग अलग प्रकार के सीमाओं से जुड़े हुए, अपनी पहचान से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति और भाषा के लेकर संघर्ष करने वाले सभी के साथ सामंजस्य पूर्वक बात कर हमने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। मुझे बहुत आनंद है कि आज त्रिपुरा, हम विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर आज से आगे बढ़े हैं। मैं
बैठकर ही बोलिए मीडिया में आएगा, माइक चालू करना पड़ेगा।